हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको इस पेल्टियर मॉड्यूल के किट से एक मिनी फ्रिज बनाकर दिखाने वाला हूँ। ये फ्रिज है वो बड़े फ्रिज की तरह प्रॉपर काम करेगा और हम इस फ्रिज बनाने वाले हैं। इसमें बर्फ भी जम पाएगा और पानी भी अच्छे से ठंडा हो पाएगा और दूसरी कोई भी चीज़ इसमें आप ठंडी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस फ्रिज को इस तरह के पेल्टियर मॉड्यूल के किट से बनाने वाला हूँ। इस किट की मैंने पहले से ही एक वीडियो बना कर रखी है, उसमें मैंने इस किट के बारे में ए टू जेड जानकारी दी हुई है। ये पेल्टियर किट एक साइड बहुत ठंडी होती है और दूसरी साइड बहुत ज़्यादा गर्म होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बड़ी वाली हीट सिंक है, वहाँ पर एक फैन है। इस साइड ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है और यहाँ और जिस साइड ये पेल्टियर में नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर यह किट बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। और बाद में हमें इस तरह के एक कार्डबोर्ड के बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। इस बॉक्स को मैंने यहाँ पर से कट कर लिया है, आपको भी ऐसे ही इस कार्डबोर्ड को कट कर लेना होगा। अगर आपको इससे बड़ा फ्रिज बनाना है तो इससे बड़ा भी कार्डबोर्ड ले सकते हैं। और बाद में हमें यहाँ पर ऐसा एक कार्डबोर्ड का दूसरा बॉक्स ले लेना है। बाद में इस कार्डबोर्ड को यहाँ पर इस तरह से कट कर लेना होगा। यहाँ पर यह पेल्टियर मॉड्यूल किट का फैन है, वो इसके अंदर ऐसे आ जाना चाहिए, ऐसा हमें इसको कट कर लेना होगा। बाद में हमें इस तरह का थर्मोकोल ले लेना होगा। ये थर्मोकोल आपको स्टेशनरी की शॉप से काफ़ी इजीली मिल जाएगा। इस थर्मोकोल से हमारा फ्रिज है उसमें कूलिंग काफ़ी बढ़िया तरीके से हो पाएगी। यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर आ जाइए, इतने हमें थर्मोकोल के टुकड़े कट कर लेना होगा। तो अब मैं इस बॉक्स में ये थर्मोकोल को लगा कर बता देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मैंने इस कार्डबोर्ड में यहाँ पर थर्मोकोल को काफ़ी अच्छे से फिट कर लिया है। आपको भी ऐसे ही थर्मोकोल के टुकड़े कट करके काफ़ी अच्छे से फिक्स कर देना होगा। अगर आप इस तरह का थर्मोकोल इस फ्रिज में नहीं लगाओगे तो ये फ्रिज में अच्छे से कूलिंग नहीं हो पाएगी और हम इस फ्रिज में जो भी चीज़ रखेंगे वो अच्छे से ठंडी नहीं हो पाएगी, इसलिए ये थर्मोकोल लगाना कंपलसरी है। अब हमें इस कार्डबोर्ड के बॉक्स को इस पेल्टियर मॉड्यूल के किट के ऊपर अच्छे से यहाँ पर ऐसे फिक्स कर देना होगा। यहाँ पर आप इसको सेलो टेप की मदद से ऐसे से यहाँ पर चिपका सकते हैं। यहाँ पर यह फ्रिज है वो ऐसे ही यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। तो आगे मैं आपको इसको अच्छे से फिक्स करके बता देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो अब आप देख सकते हैं मैंने इस मिनी फ्रिज को इस सेलो टेप से काफ़ी अच्छे से चिपका दिया है। यहाँ पर आप इसके पीछे की साइड भी देख सकते हैं, जो हमारा बड़ा फ्रिज होता है वैसा ही ये फ्रिज है वो लग रहा है। यहाँ पर आप इसका यूनिक लुक देख सकते हैं, जैसा बड़ा फ्रिज होता है वैसा ही हमने इसका लुक दिया है। अब हमें इस मिनी फ्रिज को यहाँ पर हमने यह दूसरा कार्डबोर्ड का बॉक्स बनाया था उसमें यहाँ पर ऐसे ही फिक्स कर देना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमारा फ्रिज है वो बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैंने इस फ्रिज को चलाने के लिए 12 वोल्ट और 40 एम्पियर की बैटरी ले ली है। यहाँ पर आप चाहो तो इस फ्रिज को 12 वोल्ट और 7 एम्पियर की पावर सप्लाई से भी काफ़ी अच्छे से चला सकते हैं। इस फ्रिज को कम से कम 12 वोल्ट और 7 एम्पियर की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, इससे कम दोगे तो ये फ्रिज है वो हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा और यह कूलिंग भी काफ़ी बढ़िया तरीके से नहीं कर पाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एक बड़ी बैटरी ले ली है। ये 12 वोल्ट और 40 एम्पियर की बैटरी है और बाद में मैंने यहाँ पर एक एल्यूमिनियम का बीकर ले लिया है। यहाँ पर आप चाहो तो इस तरह का स्टेनलेस स्टील का भी ग्लास लगा सकते हैं, लेकिन इस एल्यूमिनियम में काफ़ी जल्दी से ठंडा पानी होता है और यह काफ़ी जल्दी से कूलिंग पकड़ता है हमारा फ्रिज, इसलिए मैं यहाँ पर इस एल्यूमिनियम के बीकर का यूज़ करने वाला हूँ। तो अब मैं इस एल्यूमिनियम के बीकर में पानी डाल देता हूँ और इस पानी को इस फ्रिज में ठंडा होने के लिए छोड़ देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बीकर में काफ़ी अच्छे से पानी भर चुका है और ये फ्रिज में और ये बीकर है वो फ्रिज में काफ़ी अच्छे से लग जाएगा ऐसे ही। अब हमें इस फ्रिज को पावर दे देना होगा तो ये फ्रिज है वो प्रॉपर वर्क करता रहेगा। बैटरी के पॉजिटिव में इस पेल्टियर मॉड्यूल का पॉजिटिव कनेक्ट कर देना होगा और नेगेटिव में इसका नेगेटिव कनेक्ट कर देना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही इसका कनेक्शन कम्प्लीट किया तो इसके नीचे का फैन है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से घूम रहा है और इस पेल्टियर मॉड्यूल ने पानी को भी थोड़ा थोड़ा ठंडा करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर इस पानी को ठंडे होने में 10 से 12 मिनट लग सकते हैं। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को कट कर दे रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो हमने इस मिनी फ्रिज में पानी रखा था उसके 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एल्यूमिनियम के बीकर में काफ़ी बढ़िया तरीके से फोग जम चुका है। यहाँ पर मैं आपको इसको निकाल कर भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से फोग जम चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
अगर मेरे पास टेम्परेचर मीटर अवेलेबल होता तो मैं आपको इसका टेम्परेचर काफ़ी बढ़िया तरीके से चेक करके बता देता, लेकिन आप अपनी नज़रों से ही देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से इसमें भाप जमना स्टार्ट हो चुका है। इसको हमने ठंडा रखे हुए मात्र 10 मिनट ही हुए हैं, फिर भी इसने काफ़ी बढ़िया तरीके से पानी को ठंडा कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से भाप जम गया है, यहाँ पर आप अपनी नज़रों से ही देख सकते हैं। फिर भी आपको इस मिनी फ्रिज से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।